बारे में? आज का जो फंक्शन है उसके बारे में। हाँ, संचित की कंपनी को 2 साल हो जाएंगे आज कंप्लीट, एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसी लाइफ में और ग्रो करता रहे और आगे बढ़ता रहे। रमेश, मैत्री छोड़ के कैसा लग रहा है आप, आगे क्या प्लान है? और अभी तो जस्ट मैत्री से मैं फ्री हुआ हूँ, अभी आगे क्या प्लान है लेट्स सी, कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं, लेट्स सी, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट शूटिंग। हमें शेयर करना चाहेंगे मेमोरीज क्या थी मैत्री के साथ और क्या रीज़न था छोड़ने? रीज़न मैत्री की मैंने बहुत अच्छी थी, रीज़न ये है कि मैं क्रिएटिवली थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था और मैं काफ़ी टाइम से बात चल रही थी मेरी अपने राइटर्स के साथ भी, कुछ बेटर करते हैं मेरे कैरेक्टर को, थोड़ा जस्टिस मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा था, तो लाइक चलो एक बेटर वे निकालते, तो म्यूचुअली वी डिस्कस और मैं उस शो से एग्जिट किया। श्रेणु और सबको कितना मिस कर रहा हूं? श्रेणु और भाविका को मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, स्पेशली भाविका, श्रेणु, मतलब ये दे बोथ आर माई बेस्ट बडीज और मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट उन दोनों को छोड़ना ही था शो में, और उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक था भी शो में। राइट, और कुछ कहना चाहेंगे फैंस से आपके? फैंस से ही कहूँगा यार, ऐसी प्यार करते रहो, जल्दी से एक नए शो में आता हूँ या फिर देखते किस में आता हूँ। संजीत को बहुत सारी विशेज है, उसका बर्थडे है और उसकी कंपनी को 2 साल हो गए, और आई विश ऐसे ही बढ़ते रहे उसकी कंपनी आगे और इंडिया की नंबर 1 पीआर कंपनी हो जाए। ये है यार, सेल्फ मेड इंसान है, बहुत मेहनत से आगे बढ़ा है और हमने काफ़ी टाइम साथ में काम भी किया है और होपफुली हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे, तो आई विश कि इसकी कंपनी जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो जाए और नंबर 1 पीआर एजेंसी हो जाए। संजीत, पहले तो सबसे पहले जन्मदिन की आगे शुभकामना, हाल ही में गया बेसिकली जन्मदिन और कंपनी का साथ में इसने कोलैब कर लिया, अलग अलग पार्टी मिलनी चाहिए बट एक ठीक है चलेगा, स्मार्ट मूव था ये, बहुत स्मार्ट था। कहना चाहोगे इस तरह से हाउ यू बिल्ड दिस करियर 2 इयर्स? आई मीन लाइक आई जस्ट हैड आइडिया एंड आई जस्ट हैड ड्रीम्स and like I just wanted to be someone and I wanted to work hard. This way I just kept on following and like obviously I had people like these who always supported me and who were there and like you know who were promoting me in fact. Like मतलब मेरी अच्छी बातें कर रहे थे जाके कि like you know this guy is hard working. So when you have people like these like I feel like you know I'm already blessed and I'm very happy that like you know I'm working with them and I have reached over here. Thank you so much for my being pleasure. There. You are good. That's why we are good. If you are bad we are worse. आपके कोई आने वाले समय में कोई प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के तरफ आप रुख कर? आने वाले समय का तो पता नहीं, पर मैं ऊपर जाके थोड़ा पीने वाला हूँ ठंडा पानी, बहुत गंदी है। सी अभी कुछ प्लान नहीं है, जस्ट दैट मैं 4 दिन पहले फ्री हुआ हूँ, तो थोड़ा सा अभी कोई भी कैरेक्टर के बाद आई टेक गैप ताकि मैं उस कैरेक्टर को भूल पाऊँ और कुछ नया लाऊँ ऑडियंस के लिए। आपके 2 बिग बॉस ओटीटी के घर पे बीबीका एंड पीआर, दे आर प्लेइंग रियली वेल। बीबीका एंड पलक, हम लोगों ने बहुत लाइक यू नो फन भी किया हुआ है जाने से पहले। आई डिड नॉट नो दैट शी इज सो सॉलिड एंड सो स्ट्रॉन्ग एंड शी इज प्लेइंग द गेम अमेजिंगली एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर। पलक already shows kar chuki hai and I knew that she's going to kill it, so both the girls are like killing it and I'm loving them. All the best to both. Yeah, ek best quality aap bataiye Sanjit ki. Sanjit ki he's tall you are tall as well. Ek actor apni publicity ki responsibility agar kisi ko de, that's a big responsibility. To wo ek cheez jo spark hui wo to jaise main spark hi hai, ye samajhta hai ki client ko exact chahiye kya, client ki demand ko samajhta hai aur har client ke साथ बहुत ही ऑनेस्टली काम कर रहा है, इसके काफ़ी क्लाइंट आए, आई थिंक 50 से ज़्यादा ही होंगे है ना, होंगे आराम से, तो सबके साथ में काम करता हूँ, सबको मैनेज बहुत अच्छे से करता हूँ, तो आई थिंक ये बेस्ट क्वालिटी है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। और आल्सो संजीत, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये क्रेडिट किसको देना चाहूंगा? क्रेडिट मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देना चाहूंगा एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत अपने आप को भी, बिकॉज लाइक यू नो आई हैड दिस थिंग कि लाइक ऑब्वियसली मतलब कुछ चीज़ें होती है लाइक यू नो यू जस्ट डू इट एंड देन लाइक यू फॉरगेट कि हाँ ये मतलब सक्सेसफुल हो गया एंड उसके बाद वही है कि लाइक मतलब आई वॉज कंसिस्टेंट विथ माई हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली आई हैड गुड पीपल टू वर्क विथ
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक दो क्लाइंट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी, बट somehow like it worked and like you know it, I'm just very happy about it. Thank you so much. आई फील संजू इज डूइंग सो ग्रेट और आज एक्चुअली आने जैसा माहौल नहीं बन रहा था लेकिन आई स्टिल वॉन्टेड टू मेक इट बिकॉज आई फील यू नो ही रियली डिजर्व्स समथिंग रियली ग्रेट इन लाइफ एंड जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और जहाँ तक वो पहुँचे हैं आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट गाइज इन आवर इंडस्ट्री वेरी सून is what I can predict about him. So yeah, I mean Sanju se meri literally ye baat hoti hai ke let's do something together, yeah, because you have that zeal and excitement to do something in and prove yourself. So I really wish all the very best and happy birthday to Sanju. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Bye. अरे मेरे भाई, अरे मेरा हाथ क्यों सेंटर हुआ? एक मिनट मेरा मोबाइल जान को दो अभी तो अभी सब पत्ता बात तो देखो।